कानपुर में बढ़ते मानसून के मौसम को देखते हुए ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मियों को रेनकोट और बारिश से बचने के लिए जूते भेंट किए। इसके पहले भी पुलिस कमिश्नर द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एक हेलमेट, छाता, धूप से बचने के लिए कई उपकरण दिए गए। बहराइच ग्राम सभा पहराबाद की, जहां हजरत इमाम हुसैन व शहीदाने करबला की याद में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय ने पहल 12 ग्राम में तमाम चौक के लोग जुलूस का निशान इस्लामिक झंडा आलम लेकर पहुंचे, जहां पर लोग अपने चौक पर हजरत इमाम हुसैन व शहीदाने करबला की याद में फतिहा दिलाया। इसके बाद सभी ने ढोल ताशे बजाकर एक दूसरे के आलम से मिलान किया। उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। इस दौरान शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस न देने का ऐलान किया, जिसके बारे में शिक्षकों ने निराला पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। हरदोई की 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जिले की 4 तहसील शहबाद, सबाइज, बिलग्राम व सदर तहसील के 170 गांव में बाढ़ का पानी है और 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित है। इसके साथ ही 83 स्कूल बंद किए गए हैं। आज भी जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सवायजपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का भ्रमण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कानपुर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया है। इससे पहले कानपुर पुलिस कोर्ट व कचहरी परिसर की सुरक्षा करती थी, लेकिन अब UPSSF फोर्स व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करेगी। इस बारे में ADCP लखन सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कानपुर कोर्ट को UPSSF फोर्स दी गई है। ये भी पुलिस की एक स्पेशल टीम है, जिसके लिए UPSSF फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है और कोर्ट परिसर का भी मुआयना किया गया है। कानपुर में पुलिस आयुक्त की जन सुनवाई केंद्र में एक पीड़ित भिखारी पति ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भिखारी की फरियाद सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मखनपुर को फिरोजाबाद नगर निगम में विलय को लेकर चेयरमैन गीता देवी दिवाकर व सभासदों को क्षेत्रीय जनता ने जिलाध्यक्ष भाजपा महानगर अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया। गीता देवी दिवाकर ने बताया कि नगर पंचायत मखनपुर की बोर्ड में जो प्रस्ताव पास कर कई योजनाओं को लागू किया गया था, अगर मखनपुर का विलय निगम में होता है तो ये योजनाएं धरातल पर नहीं आएंगी। यूपी में प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। लगातार दूसरे हफ्ते टीचरों ने सरकार की इस नई व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। टीचरों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होने से अगर किसी टीचर को कोई इमरजेंसी आती है तो उसके पूरे दिन की सैलरी काटी जाएगी। सहारनपुर के थाना नकुड़ पुलिस ने उपजिलाधिकारी नकुड़ को धमकी देने वाले जनपद सहारनपुर का 25,000 का इनामी और जनपद गोरखपुर का गैंगस्टर 15,000 का इनामिया घोषित अभियुक्त किन्नर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल सिम सहित कुल 3 मोबाइल फोन और 11 सिम बरामद किए गए हैं। यूपी के जनपद श्रावस्ती में कई शिक्षक संगठनों ने भारी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कई बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, तो वही शिक्षा मित्र अनुदेशक और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और कई शिक्षकों संगठनों ने बताया कि पुरानी मांगों को पूरा न करने पर ही डिजिटल अटेंडेंस का अनुपालन किया जाएगा। यदि पुरानी मांगे नहीं पूरी की गई तो डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार कर आंदोलन की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर क्षेत्र के नदे गांव में दो सांपों के बीच प्रेम प्रसंग का एक अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में काफी देर तक नाग नागिन अटखेलिया करते हुए नजर आए। महुआ में DM कार्यालय के बाहर ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस से पहले मूलभूत सुविधाएं देने की मांग रखी है और इसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर में डिजिटलाइजेशन को लेकर हजारों शिक्षकों ने BSA ऑफिस व कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अपनी 3 प्रमुख मांगों 31 दिन का उपार्जित अवकाश, 15 हाफ लीव और प्रतिकर अवकाश सहित अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की और कहा कि मांगे न पूरी होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। जब काफी देर तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। तालाब के बाहर कपड़े देख परिजनों को डूबने की आशंका हुई। सूचना पर पहुंचे गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों के शव को बरामद किया। हादसे की सूचना मिलते ही DM SP मौके पर पहुंचे। इस दौरान DM मौके ने कहा कि वैधानिक कार्रवाई के बाद पीड़ितों की मदद की जाएगी।
ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी, संयुक्त मोर्चे के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर सात सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्णतः तत्काल निरस्त करने की मांग की है।